हेलो फ्रेंड्स, रियल लाइफ वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि आप लोग जान ही गए कि 17 अगस्त से आप लोग का एग्जामिनेशन शुरू होने वाला है और फाइनली एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, ये बड़ी बात है। तो 2019 से 2022 तक का, ठीक है, तो 3 सालों बाद एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है। तो आप लोग की तैयारी एकदम ज़बरदस्त रहनी चाहिए जिससे आप लोग का एग्जामिनेशन बहुत अच्छा जाए। तो सिंगल CBT है पहली बात तो, ठीक है, तो CBT 1 के ही स्कोर के आधार पर आप लोग क्या होंगे, चयनित होंगे। तो कुछ चीज़ों का आप लोग को ध्यान रखना है एग्जामिनेशन से पहले, जिससे आप लोग को मैक्सिमम आउटकम मिले। तो कुछ चीज़ें मैं आप लोग को बताऊंगा जिससे पहले एग्ज़ाम से पहले आप लोग जो फॉलो करिए, क्योंकि फेज़ 1 में जिन लोग का एग्ज़ाम है कंप्लीट वीडियो उनके लिए रहने वाला है, प्लस बाकी के फेज़ों में जिनके एग्जामिनेशन हैं उनके लिए भी वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो बाकी के फेज़ में ये रहेगा कि आप लोग को फ़ायदा मिलेगा जो इनका फेज़ 1 के बाद है, क्योंकि फेज़ 1 में किस तरीके का क्वेश्चन का लेवल रहेगा, ठीक है, किस तरीके से आप लोग के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, करंट अफेयर्स कहाँ से कहाँ तक पूछे जाएगा, ये चीज़ों को पता आप लोग को चल जाएगा। और फेज़ 1 में जो कैंडिडेट हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेंटली स्ट्रेस बहुत है जिस तरीके से आप लोग के कमेंट्स आ रहे हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आप लोग अपना स्कोर बता रहे हैं और मॉक टेस्ट में भी स्कोर बता रहे हैं, तो जिनका कम स्कोर है उनको भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें मैं आप लोग को बताऊँगा जिससे आप लोग बेस्ट आउटकम अपना दे सकते हैं एग्जामिनेशन में, और क्या चीज़ें आपको एग्ज़ाम से पहले करके जानी है, और ड्यूरिंग, ठीक है, एग्जामिनेशन क्या चीज़ें करनी है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है एग्जामिनेशन को लेके। तो जैसा कि डिमांड थी कि लास्ट मोमेंट पे आप लोग एक वीडियो बनाइए मुझसे, तो अभी मेरा 12 बजे रात में वीडियो बनाने का यही मोटिव है कि आप लोग को बता सकूँ, ठीक है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो जरूर शेयर करें, और कोई भी क्वेरीज एंड कमेंट हो जरूर पूछें आप लोग। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप उन टॉपिक्स पे कवर करें, बेसिक टॉपिक, जो टॉपिक्स आप लोग को अच्छे से आते हैं, ठीक है। अभी आप लोग को क्या करना है कि कंप्लीट रिवीजन लगाना है, ठीक है, रिवीजन पर फोकस रखिए। अब जितने आप लोग की पढ़ाई थी होनी थी वो हो चुकी है, आप कंप्लीट रिवीजन लगाइए, ठीक है। मैथ में अगर आप लोग देख रहे हैं तो ईजी जो चैप्टर हैं, ठीक है, ईजी चैप्टर मतलब जो आपको अच्छे तरीके से आते हैं उसको रिवीजन लगाइए। हर चैप्टर से आप लोग 20 25 30 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए, ठीक है। अब डे कम है, ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट हैं तो उस हिसाब से आप लोग मैथ में चैप्टर वाइज बना लीजिए। जितने भी चैप्टर हैं बेसिक मैथमेटिक्स को ज़्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि एडवांस मैथमेटिक्स थोड़ा कम ही रहता है। तो ऐसा नहीं कि एडवांस आप लोग को छोड़ के जाना है, जिनकी एडवांस अच्छी है वो लोग एडवांस में भी फोकस करें, जो थोड़ा एडवांस है जिनको नहीं जिनका अच्छा है वो लोग बेसिक मैथमेटिक्स में ज़्यादा फोकस करें। तो एक बार मैथ का पूरा आप लोग जितने भी चैप्टर है मैथ में सभी आप लोग प्रैक्टिस करना है, आप लोग को सभी प्रैक्टिस करके जाना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, और अभी के जो NTPC के हाल के क्वेश्चंस में देख लीजिए, कुछ क्वेश्चन उसमें से अभी सिलेक्ट कर लीजिए टॉपिक वाइज, ठीक है। जैसे CISI वाले चैप्टर से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सॉल्व कर लीजिए, नहीं आपको अगर सॉल्व करना आ रहा है तो उसको यूट्यूब पर चेक कर लीजिए, वहाँ वो सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। कि आप लोग को हर चैप्टर में से मैथ के 30-40 क्वेश्चन बनाने हैं। वैसे रीजनिंग का हाल है, रीजनिंग में भी वही करिए, ठीक है, जो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था रीजनिंग में कुछ टॉपिक्स हैं जो आप लोग को रिवीजन अच्छे से करके जाने हैं, तो रिवीजन आप लोग को करके जाइए अच्छे से। अभी आप पूरा मत पढ़िए, आपको पूरा नहीं पढ़ा जाएगा। पूरा पढ़ने का मतलब है कि आप ज़्यादा जैसे एक ही चैप्टर को आप बनाने लग जाएंगे तो आपको फिर बाकी चैप्टर पर आप टाइम नहीं दे पाएंगे। तो आपने टाइम टेबल बना लेना है, ठीक है, कि एक दिन में 2 चैप्टर कम्प्लीट करना है, एक दिन में 3 चैप्टर कम्प्लीट करना है, अपने दिनों के हिसाब से, ठीक है। अभी जैसे आज 5 तारीख हो गई, आज 6 तारीख हो गई हैं, तो आपके पास बस 11-12 दिन बचे हैं, ठीक है, मोटे मोटे 10 दिन आप लोग पढ़ाई करेंगे, 9 या 10 दिन। तो 9 दिन में आप लोग अगर चैप्टर अगर आप मान लीजिए 15-16 चैप्टर है, तो एक दिन में आपको टारगेट बनाना पड़ेगा कि इतने चैप्टर मुझे एक दिन में करना है, ठीक है। और अभी आप लोग जितना पढ़ चुके हैं पढ़ाई तो कर ही चुके होंगे मैथमेटिक्स में, ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों ने पहले से बना लिए होंगे, ठीक है। तो मॉक टेस्ट में आप लोग का अगर स्कोर कम भी रह रहा है किसी वजह से, तो अभी मॉक टेस्ट में आप लोग क्या करिए, मॉक टेस्ट दीजिए अभी, ठीक है, लास्ट मोमेंट पे एक आध मॉक टेस्ट दीजिए, अपनी जरा टाइमिंग वगैरह देख लीजिए, ठीक है। नहीं तो आप लोग अभी रिवीजन पे फोकस करिए, ठीक है, रिवीजन फोकस कर लीजिए, और बात रही रीजनिंग पे, वो भी सेम वही चीज़ करनी है, उस पर भी रिवीजन करना है। अभी आप लोग जितना पढ़ चुके हैं आपने पढ़ लिया है, ठीक है, आप जो वो देखिए, ठीक है, जिसमें कुछ छूट गया है, यानी कोई टॉपिक मान लीजिए छूट गया है, तो उसको तैयार कर लीजिए यूट्यूब वगैरह से, या आप खुद से तैयार करते हैं तो खुद से तैयार कर लीजिए, ठीक है। कैलेंडर वगैरह आपने तैयार कर लिया तो कर लीजिए, कैलेंडर हो गया, डाइस हो गया, रैंकिंग वाला हो गया, ठीक है, ये जो चैप्टर है। बाकी रीजनिंग अच्छी रहती है आपके, उसमें रीजनिंग में आप तो डरिए मत, अगर आपने रीजनिंग अच्छे से अभी तक आज तक पढ़ी हुई है, क्योंकि लंबा टाइम आप लोग को मिला हुआ था, पूरा 2-3 साल मिले हुए थे, लेकिन पढ़ाई में मानता हूँ कि पिछले 6 महीने से आप लोगों ने की होगी,
तो जिसने अच्छे से तरीके से तैयारी की है उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने लगा इस एग्जामिनेशन में। तो बाकी मैथमेटिक्स में आप लोग को बता दूँ कि फार्मूला वगैरह जो भी हैं आप लोग अच्छे से पढ़ लें फार्मूला वगैरह, तो फॉर्मूले से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फॉर्मूले डायरेक्ट फार्मूले पर रख के आप लोग क्वेश्चन बना सकते हैं, तो फार्मूला की एक अलग से कॉपी अभी बना लीजिए, ठीक है। उसको जो भी फार्मूला आप लोग का आता है क्वेश्चन से उसको नोट डाउन कर लीजिए और याद करने की कोशिश करिए फार्मूले को, ठीक है। और समझ के पढ़ें, ठीक है। जितने भी दिन आप लोग के हैं भी समझ के पढ़ें, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात करें साइंस के ऊपर तो साइंस भी आप लोग को पढ़ के जानी है, ठीक है। जिन लोग का साइंस बैकग्राउंड है उनको तो काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि साइंस में क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, अगर आपको आते हैं तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ऐसा कोई गलत होने का कम चांसेस रहता है साइंस से, ठीक है। तो साइंस आप लोग को पढ़ के जानी है। साइंस में आप लोग रिवीजन लगा सकते हैं, कुछ कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट जो हैं उनको रिवाइज़ कर लीजिए फटाफट, ठीक है। रिवीजन करने के लिए आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लीजिए, ठीक है। अभी जितने मैक्सिमम दिन है, और सोशल मीडिया से आप लोग दूर रहिए थोड़ा सा, ठीक है। सोशल मीडिया आप लोग कम यूज़ करिए बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि जब तक एग्जामिनेशन है तब तक छोड़ दीजिए सोशल मीडिया वगैरह, ठीक है। तो फालतू काम जो है सब छोड़ दीजिए कुछ टाइम के लिए, क्योंकि पहले एग्जामिनेशन हो जाए अच्छे से फिर उसके बाद यूज़ कर लीजिएगा। तो टाइम जितना बचा सकते हैं अपने लिए आप बचा लीजिए, मैक्सिमम आप लोग को टाइम देना है पढ़ाई को, ठीक है। जितना ज़्यादा देख सकते हैं आप लोग पढ़ाई को टाइम अभी इस बीच में, ठीक है। दिन बहुत कम है तो पढ़ाई को आपको मैक्सिमम टाइम, और जीके वगैरह में इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो आप लोग लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है उसको आप लोग पढ़ लें। अभी आप लोग को बताऊं कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे मैंने बहुत सारे वीडियो में बता रखे हैं कि इतने मैंने टॉपिक बता रखे हैं आप लोग पढ़ने के लिए, तो वो टॉपिक आप पढ़ सकते हैं। तो आपके आपके लिए अलग अलग टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी के लिए कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी के लिए कुछ। तो जो भी है आप लोग अभी रिविज़न, ठीक है, आप लोग पढ़ सकते हैं। और तो उसको करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स में भी आप लोग को करंट अफेयर्स रिवाइज़ करके जाना है अभी जितना भी है, ठीक है। करंट अफेयर्स आपने पिछले 1 ईयर का करंट अफेयर्स रिवाइज़ करके जाना है, जितना भी इंपॉर्टेंट रिवीजन है तो रिवीजन कर सकते हैं आप, ठीक है। अभी आप लोग को मैक्सिमम रिवीजन करना है, ठीक है। अभी जितना भी स्टडी आप लोग का हो चुका है करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट, तो अगर आप स्पीडी वगैरह या कुछ आप लोगों ने बुक वगैरह ली हुई है तो उससे रिवीजन कर लीजिए, नहीं तो आपके पास नोट्स हैं प्रॉपर तो प्रॉपर नोट्स से आप लोग रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। तो उसको आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा करंट अफेयर्स में। और प्लस आप लोग अच्छी नींद लें, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रेस ना लें आप, कंप्लीट नींद लेंगे, क्योंकि अगर नींद नहीं लेंगे तो फिर आप लोगों को क्या हो जाएगी, आपकी जो मेमोरी है वो कम हो जाएगी, ठीक है, मेमोरी पावर कम हो जाएगी। और अच्छे से खाना खाएं, ठीक है, अच्छे से खाना खाएं। अगर आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेस होता है या मन पढ़ाई से ऊब जाता है तो बोर हो जाता है तो थोड़ा घूम लें, दोस्तों से बात कर लें, थोड़ा म्यूजिक वगैरह, अगर आप बहुत सारे लोग म्यूजिक से क्या होता है रिलैक्स होता है तो म्यूजिक वगैरह सुन सकते हैं। ऐसा नहीं कि दिन भर आप लोग म्यूजिक सुनने में रह गए, ठीक है, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत देर के लिए 10-15 मिनट का गैप आपने पढ़ाई के बीच में लें, ठीक है। अगर आप लोग को लगता है ज़्यादा गैप लेना चाहिए तो 30 से 45 मिनट का आप लोग गैप ले सकते हैं पढ़ाई के बीच में, उस बीच में आप थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, थोड़ा टहल सकते हैं, ठीक है। पानी वगैरह रख लीजिए पढ़ाई के साथ साथ। तो मैक्सिमम आप लोग को पढ़ना ही पढ़ना है आजकल, ठीक है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है पढ़ाई के लिए, ठीक है। जितना भी आपको किताबें लेके बैठनी है, मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, करंट अफेयर्स की बुक्स लेके रखनी है टेबल पे, और टाइम टू टाइम उसको पढ़ना है। मैथ लगा लीजिए सुबह में, या सुबह में जीके वगैरह लगा लीजिए, दिन में पूरा मैथ बनाइए, ठीक है। मैथ अभी जितने भी चैप्टर आपको सब उसको सारे चैप्टर आपको पढ़ के जाना है, ठीक है, एक एक बार आपको सब देख के जाना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप एक बुक से पूरा ही बुक ख़त्म करें, हर बुक से क्वेश्चन उठा लें इंपॉर्टेंट, टिक कर लें कि हाँ ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो हर चैप्टर से मैंने पहले ही बता दिए, कुछ क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लीजिए और कुछ छूट गया हो तो उसको नोट कर लें कि हाँ ये टॉपिक छूट गया है, इसको मैं एग्ज़ाम के 1 या 2 दिन पहले देख लूँगा, ठीक है। साइंस में कोई टॉपिक छूट गया तो उसको एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले देख लूँगा। तो बहुत सारे चैनल पे साइंस की स्टडी क्लासेस चल रही हैं आजकल, ठीक है, 1 वीक या 1 हफ्ते की या 3 दिन की 4 दिन की, इस तरीके से वो लोग वीडियो बना रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ बना रहे हैं, ठीक है। साइंस में के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को करा रहे हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज करा रहे हैं, ठीक है, लास्ट डेज पर। और कुछ कुछ चैनल हैं जो करंट अफेयर्स को भी रिवाइज़ करा रहे हैं फटाफट, आप लोग को आप वहाँ से भी करंट अफेयर्स से रिविज़न कर सकते हैं। तो जैसे इस तरीके से आप लोग को मेरा, जैसे आप समझ गए होंगे कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है लास्ट एंड मौके पे, और पिछले पेपर को या पिछले आप लोग जो भी एग्जामिनेशन हुए हैं अभी तक तो उसको देख के आप लोग समझ गए होंगे कि कौन से चैप्टर से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से चैप्टर से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये एनालाइज़ आप खुद करिए और उसी हिसाब से पढ़ाई करिए, उसी हिसाब से टॉपिक को सेलेक्ट करिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ मैथ में परसेंटेज से ज़्यादा पूछे जाते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस से ज़्यादा पूछे जाते हैं तो उसको प्रैक्टिस करिए, और प्लस कैलकुलेटर का आप यूज़ मत करिएगा इन बीच, जितना हो सके आप विदाउट कैलकुलेटर क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। और सिंगल सीट आप लोग को वहाँ पर एक आध शीट मिलती है, तो कम से कम स्पेस में नीट एंड क्लीन आप लोग काम करिएगा, ठीक है।
और ट्रिक्स बनाने की कोशिश करें कि ट्रिक की मदद से कैसे आप चीज़ों को याद रख सकते हैं जीके में खासकर, और जीके में ट्रिक बहुत ही काम आती है। ठीक है, तो ट्रिक बना के याद करने की कोशिश करें, कोई डेट हो उसको याद कर लें ट्रिक बना के। ठीक है, कोई चीज़ साइंस में कोई ट्रिक काम हो। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि वायरस से होने वाली बीमारियां हैं, ठीक है, या बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं, उनमें बहुत सी ट्रिक आती हैं। ठीक है, और इससे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, वायरस हो बैक्टीरिया हो या कोई ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड हो, सेल से रिलेटेड हो। तो वहाँ से आप टॉपिक को आप लोग क्लासीफाइड कर लीजिए और वहाँ से पढ़ाई रेगुलर करिए। ठीक है, जितने भी दिन आप लोग के पास, मैक्सिमम फेज़ वन वाले के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका एग्ज़ाम पहले है, और बाकी फेज़ वालों का फ़ायदा होने वाला है क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप लोगों से। ठीक है, तो उनको फ़ायदा मिलेगा फेज़ वन की वजह से। तो बाकी आप लोग अगर सेफ स्कोर की बात करेंगे तो पेपर के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि पेपर कौन से शिफ्ट में हो रहा है, किस तरीके का लेवल था। कभी कभी क्या होता है कि इजी शिफ्ट में 70-75 से 80 आप लोग अटेम्प्ट कर लेते हैं, और किसी हार्ड शिफ्ट में पेपर हुआ तो उसके जो कैंडिडेट है मान लीजिए 60-65 तक ही अटेम्प्ट कर पाए अच्छे से। ठीक है, तो वहाँ क्या होता है, फिर नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन से क्या होता है कि उनके मार्क्स बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो फिर भी आप लोग की कोशिश रहनी चाहिए कि अगर एक नॉर्मल पेपर है तो 70+ आप लोग सभी आप लोग अटैम्प्ट करके आएंगे अच्छे से। ठीक है, अटैम्प्ट करने की बात है कि आप लोग एक्यूरेसी आप लोग की अच्छी रहनी चाहिए। ठीक है, 70 मार्क्स तो आप लोग के लेके आने ही आने हैं ग्रुप डी में। ठीक है, तो जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए कह रहा हूँ ज़्यादा, तो 70 से अबव आप लोगों ने स्कोर करना है। तो उसके बाद आप लोग को फिजिकल के लिए इसी स्कोर के बिहाफ पे बुलाया जाएगा, तो काफ़ी अच्छा है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी इस बार ज़्यादा है, और मैथ और रीजनिंग का आप लोग का ज़्यादा रहेगा इस बार। मैथ रीजनिंग में अच्छी पकड़ बना कर रखें, मैथ रीजनिंग साइंस में, तो वही क्या होगा आपका स्कोर इंक्रीज़ करेगा। तो जो लोग मैथ रीजनिंग में अच्छी पकड़ बना के चलेंगे उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है एग्जामिनेशन में। तो जिनकी नहीं भी है वो लोग भी कोशिश करें कि अपना मैक्सिमम देने की। ठीक है, और टाइम अगर बचता है एग्जामिनेशन तो उन क्वेश्चन को देख लें जो क्वेश्चन आप लोगों ने लगता है कि हाँ इस क्वेश्चन को मैं बना सकता हूँ। ठीक है, और क्वेश्चन पहले वही अटैम्प्ट करें जो आप लोग को आ रहे हैं, और जो क्वेश्चन में लगता है कि थोड़ा टाइम लगेगा उन क्वेश्चन को छोड़ दें और उनको बाद में लास्ट में अटैम्प्ट करें। ठीक है, तो ये आपकी सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगी एग्जामिनेशन को लेके, और एग्ज़ाम से पहले थोड़ा सा रिलैक्स होकर जाएँ। ठीक है, एग्जामिनेशन के बाकी डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो रख लें अपने इंपॉर्टेंट, और आधार कार्ड वगैरह, तो ये सब चीज़ें अपना एडमिट कार्ड वगैरह टाइम से निकाल लें और देख लें एग्जामिनेशन सिटी कहाँ पर है, और पूरी तैयारी कर लें, पता कर लें कि किस टाइम में ट्रेन है, किस टाइम में क्या बस की टाइमिंग क्या रहती है। एग्ज़ाम से पहले पहुँचने की कोशिश करें एग्जामिनेशन सेंटर में। ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से आप लोग का आधार वेरिफिकेशन हो जाए। बाकी आप लोग अच्छे से, कि मैंने सभी टॉपिक्स से रिलेटेड आप लोग के लिए वीडियो बनाई हुई हैं, और सभी के लिए बुक्स वगैरह स्ट्रेटेजी वगैरह पहले से बनाई हुई थी एग्जामिनेशन में आप लोग के लिए। ठीक है, और टॉपिक आप लोग को PDF भी मैंने प्रोवाइड करवाई थी इंपॉर्टेंट, तो आई होप आप सभी लोगों ने वो चीज़ देख ली होंगी अभी तक। ठीक है, और पढ़ भी लिया होगा आप लोग से ऐसी उम्मीद करता हूँ। और बाकी अगर आप लोग ये पूछेंगे कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है अभी लास्ट टाइम तक इनको रिवीजन करो, तो मैथमेटिक्स में बेसिक टॉपिक में आप लोग देख लीजिए, लगभग लगभग सभी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो नंबर सिस्टम से हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन से हो, ठीक है, चाहे डिवाइड करना हो पूछा गया हो, या स्क्वायर रूट क्यूब रूट से पूछा गया हो, एवरेज से पूछा गया हो, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस कर लेना। ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, स्पीड एंड टाइम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टैंकी वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टैटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीछे, आप लोग उसको भी पढ़ लेना। ठीक है, स्टैटिक्स वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बाकी मिक्सचर एलिगेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो स्टफ लक फेज़ वन वालों के लिए और बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट किसी ऐसी